हेडलाइन के प्रायोजक हैं एस्प्रा। गोरखपुर फैजाबाद खंड शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र के चुनाव के मतदान केंद्रों का मंडलायुक्त ने किया निरीक्षण, कहा शांतिपूर्ण माहौल में सम्पन्न हुआ मतदान। गोरखपुर फैजाबाद खंड शिक्षक निर्वाचन 2020 की मतगणना 3 दिसंबर को सुबह 8 बजे से गोरखपुर विश्वविद्यालय के वाणिज्य भवन में होगी प्रारंभ। मंडलायुक्त रिटर्निंग ऑफिसर ने मतगणना स्थल का किया निरीक्षण, तैयारियों का लिया जायजा, दिए आवश्यक दिशा निर्देश। गुलरिया थाना क्षेत्र के जैनपुर गांव में सोमवार की रात बहुभोज समारोह में हुई हर्ष फायरिंग में 4 वर्षीय बालक ऋषभ के गर्दन में लगी गोली, गंभीर अवस्था में लखनऊ रेफर, जाँच में जुटी पुलिस। टेंट कारोबारी का फंदे से लटकता मिला शव, मामला वेलीपार थाना क्षेत्र का, परिजनों ने जताई हत्या की आशंका, मौके पर पहुंची पुलिस शव को कब्जे में लेकर जांच में जुटी। मंगलवार को विकास भवन में मीडिया से रूबरू हुए मुख्य विकास अधिकारी इंद्रजीत सिंह, कहा शासन की कल्याणकारी योजनाओं में शामिल योजनाओं को प्राथमिकता के आधार पर किया जाएगा पूरा, फरियादियों की समस्याओं का होगा समाधान। कड़ी सुरक्षा के बीच 16 केंद्रों पर सकुशल संपन्न हुआ गोरखपुर फैजाबाद खंड शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र का मतदान। गोरखपुर विश्वविद्यालय के स्ट्रांग रूम में जमा हुए मतदान पेटियां, 3 दिसंबर को होगी वोटों की गिनती। मुख्य विकास अधिकारी की अध्यक्षता में संपन्न हुई परफॉर्मेंस ग्रांट समिति की बैठक, ई टेंडरिंग कराकर कार्यों में तेजी लाने के दिए निर्देश। शिक्षक एमएलसी चुनाव के मतगणना को लेकर पुलिस विभाग की तैयारियां हुई पूरी, मतगणना में तैनात सुरक्षा कर्मियों को एसएसपी ने किया ब्रीफ, दिए आवश्यक दिशा निर्देश। गोरखपुर में मंगलवार को मिले 46 नए कोरोना संक्रमित मरीज, एक की हुई मौत, जिले में संक्रमित मरीजों की संख्या हुई 20,103। अब तक 323 कोरोना संक्रमित मरीज गंवा चुके हैं अपनी जान, 442 हुए एक्टिव मरीज, सीएमओ डॉक्टर श्रीकांत तिवारी ने की पुष्टि। 4 से 10 दिसंबर तक मनाया जाएगा महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद का 28वां स्थापना दिवस, विभिन्न कार्यक्रमों का होगा आयोजन, समापन अवसर पर विजयी प्रतिभागियों को किया जाएगा सम्मानित। मात्र छाया में रहने वाले 2 मंदबुद्धि महिलाओं को स्वस्थ होने के बाद उनके परिजनों को किया गया हवाले, सीडीओ ने स्मृति चिन्ह देकर की विदाई। और प्रमुख चिकित्सा अधीक्षक ने मंगलवार को जिला अस्पताल का किया निरीक्षण, अस्पताल परिसर में चल रहे निर्माण कार्य की जांच, संबंधित ठेकेदार को दिए आवश्यक दिशा निर्देश।